क्या हुआ सर? जी सर, मैं डीजीएम का वाइस प्रेसिडेंट और हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब शकील अहमद दाता साहब, अभी जब सवेरे खबर आई कि यहाँ पे लॉकडाउन होने वाला है तो हमने खुद ही सोच लिया, क्या पता अभी की जो प्रेजेंट पोजीशन है, सर्दी का मौसम चल रहा है, क्या पता किसी के पास पैसे होंगे ना होंगे, तो हमने एक मुहिम चलाई। हमने सोचा चलो 100-200 जितना भी हमसे हो सकेगा हम सैनिटाइजर और कुछ मास्क सप्लाई करेंगे ताकि लोगों को कुछ ना कुछ आराम हमारी वजह से पहुँच जाए। हमारा मकसद यही है, हमारे हाथ कश्मीर मतलब गरीबों तक पहुँच जाए। इसी हमारा जो पार्टी है इसका मकसद ही यही है कि हम गरीबों के साथ रहे। तो आप ये बताइए कि क्या आप इस जो आज आपने ये इम्पैक्ट डाला है जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, क्या आप इससे शुरुआत करना चाहते हैं? हालांकि अभी तक जो है जिस पार्टी से आप वाबस्ता रखने वाले कोई ग्राउंड एक्टिविटी नहीं देखने को मिली। सर शायद आपको याद नहीं है, मैं पिछले एक महीने से 5 सेंटर लगा चुका हूँ और कम से कम 3 इलाकों में अब किड्स सप्लाई किया है। मैंने हंदवाड़ा में किया है, या नवाटा में किया है, यहाँ पे क्या इसको बोलते लज्जन में किया है, शायद आपने वो वीडियोस नहीं देखे हमारे। नहीं, आपसे जानना चाहेंगे कि ग्राउंड एक्टिविटीज क्या है आपकी इस पार्टी की जिससे आप बिलोंग करते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ये डीजीएम है, दिल्ली जनजागरण मिशन पॉलिटिकल पार्टी। जी बिल्कुल। तो इस पॉलिटिकल पार्टी का क्या असल में रोल है और मैनिफेस्टो क्या है, ये कश्मीर के अंदर आप लोग जो है यहाँ पे एक्टिविटीज स्टार्ट कर रहे हैं? हमारी एक्टिविटीज यही रहेगी कि यहाँ पे जो मतलब यहाँ का बिलो लाइन का पीपल्स है, जो बिलो लाइन के लोग हैं, ये इनकी आवाज़ हुक्मरानों तक नहीं पहुंचती है, तो हम ये आवाज़ उनकी यहाँ हुक्मरानों तक पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ किस मुश्किल से हम चल रही है, अभी आप देखिए जैसे अभी आर्डर निकला है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आर्डर किया कि अपनी कोचिंग सेंटर बंद की हो, मगर इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए किसी ने ये नहीं बोला कि आप बिजली भी बाहर कर दो क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। बिजली नहीं चल रही है? जी बिल्कुल नहीं चल रही। अभी पाछाबाग में आप जाइए, 9 दिन से बिजली नहीं चल रही है, आप खुद शुरू कर सकते हो। गवर्नमेंट काम में लगा रहता है बट अब एडमिनिस्ट्रेशन हर एक चीज पे नहीं देखता है, मतलब हर एक जगह नहीं पहुंच पाती है, बाकी काम तो चल रहा है, हम मतलब गवर्नमेंट को गलत नहीं बोल सकते हैं ना। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ।